मेरी माँ का नाम लीला देवी था, जो देवी माँ की लीला ही थी। इतनी इंस्पायरिंग थी कि कुछ इंसिडेंट्स उनकी जीवनी से मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। हो सकता है औरों को भी इससे प्रेरणा मिले। वो जब 70 साल क्रॉस कर चुकी थी तो उनके भाई के यहाँ एक लड़की काम करती थी, जो कुछ समय के लिए मेरे माँ के पास आ गई। और उस लड़की ने बताया कि उसके सौतेले बाप उस पे बहुत गलत नजर रखते हैं और उसे तंग करते हैं, गलत काम करवाना चाहते हैं। तो उस दौरान जब वो लड़की माँ के पास थी तो उसके पिता एक दिन आ गए, सौतेले पिता, और लड़की परेशान हो गई और मेरी माँ ने चप्पल उतारी और दे दनादन उस गलत किस्म के इंसान को धोया और साथ में गर्जी कि खबरदार जो तो इस पे बुरी नजर रखा और इसकी तरफ देखा और ये मेरी बेटी है, इस तरफ कभी फटकना भी नहीं। बाद में जब उन्होंने हमें किस्सा सुनाया तो बोली, मैं वृद्ध, मैं दुबली पतली और पता नहीं कहां से मैंने एक आदमी को पकड़ के ये सब सुना भी दिया और हाथ भी उस पे उठा लिया। तो जो ममत्व होता है वो अपने आप साहस भी दे देता है। कहने को ममत्व बहुत सॉफ्ट भाव हम मानते हैं, लेकिन वो असीम साहस दे सकता है। और वो ममत्व जो है, जो प्रेम हमारे अंदर है, वो सिर्फ अपने बायोलॉजिकल बच्चों के लिए ही नहीं होता, वो कनेक्शन सबके लिए होता है। ये बहुत प्रेरणादायक उदाहरण था मेरी माँ के अंदर प्रत्यक्ष जो दिखता था। और दूसरा एक इंसिडेंट सुनाऊंगी जिसमें एक अलग आध्यात्मिक किस्म का साहस दिखा। शूटिंग थी उड़ान की और सीन था जहां बैलगाड़ी का पहिया फंसता और मैं उसे निकालने में मदद करती हूँ और शेखर कपूर मेरी मदद करते हैं। तो ये वो सीन मुझे विजुअली बहुत रिच चाहिए था, लेकिन मेरे कैमरामैन किसी वजह से बोले मैं 2 घंटे ही रहूंगा, बाद में असिस्टेंट करेगा। रात को उन्होंने जब ये बात बताई तो मेरी नींद उड़ गई और टेंशन से अगले दिन मुझे बुखार था 103। शाम को जब घर पे लौटी तो 106। डॉक्टर ने भाप लिया कि टेंशन से है, तो उसने मुझे दवाई के साथ कंपोज किस्म की दवाइयां भी दे दी। 2 दिन बाद जब ठीक हुई और मुझे अब नया सीन लिखना था, उसकी शूटिंग सर पे थी, तो मुझसे सीन लिखा नहीं जा रहा था उतना बारीकी से, यानी एक जोन्ड आउट सी थी, स्पेस्ड आउट सी। तो माँ को जब ये समस्या बताई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब जैसा लिखा जा रहा है वैसा ही सही, प्रभु की यही मर्जी होगी, ये उतना अच्छा नहीं लिखना होगा। तो एक ये बात सुन के रिलैक्सेशन हुई, एक बोझ उतरा। जो हम प्रेशराइज्ड रहते हैं, स्कूल्स में सीख लेते हैं एक्सीलेंस और पुश हार्ड, और खुद भी हमें निजी परफेक्शन का शौक जब होता है तो इम्परफेक्शन से डर भी होता है। और मेरी माँ में मैंने वो निडरता भी देखी कि उसको कोई लालसा नहीं थी, जो बहुत बड़ी सीख थी। तो मैं ये शेयर करूंगी कि हम भी अपने बच्चों को उतना प्रेशराइज नहीं करें, जैसे डाओ ने कहा है, फ्लो के साथ चलने में ही हम लंबी दौड़ सकते हैं और बिना स्ट्रेस के जीवन जी सकते हैं। ये मैं चाहूंगी कि आप भी अपने जीवन में पिरो सके तो एक सुकून मिलता है इससे। योगानंद जी की बहुत नेक माँ थी और जब वो गुजर गई तो उन्हें बहुत शिकायत हुई प्रभु से, और उन्होंने
रो रहे थे और कह रहे थे उन्हें कि तूने जब इतनी नेक आत्मा मुझे माँ के रूप में दी तो ले क्यों ली। तो माँ के दर्शन हुए उन्होंने और माँ ने कहा वो मैं ही तो थी जो आई थी तेरे घर। तो माँ के अपनी अपनी माँ के रूप में प्रभु का ममत्व ही होता है जो आके हमें पालता है, हमारा गुरु होता है, हमें प्रेरणा देता है। हर माँ को मेरा नमन और लीला देवी को बहुत बहुत नमन, आभार, धन्यवाद।